बोलते माझी खूप गळत आहे सगळ्या शिक्षकांसाठी या गोष्टी शिक्षकांसाठी की आज जे शासन आपल्या आपल्यासाठी जे खेळीमेळीचं त्यांचं जो खेळ चालू आहे आपल्याला जे वेळोवेळी ते फसवणूक करतायत आणि त्या फसवणुकीमुळे आपण म्हणजे सगळे अघोषित शिक्षक आपण म्हणजे काही न करता मूक घेऊन गप बसलेले आपल्याला कुठल्या प्रकारे कुठलाही चान्स नाही किंवा आपल्या हातात पगार नाही आपल्या पदरी काही पडत नाहीये आपण फक्त संघर्ष संघर्ष संघर्षच करतोय आणि बहुतेक आपल्यातले बरेच शिक्षक रिटायर झाले आणि आपण सुद्धा अजून काही जवळजवळ रिटायरमेंटला आलेले कोणाची 5 वर्ष सर्व्हिस राहिली कोणाची 8 वर्ष राहिली कोणाची 10 वर्ष राहिली आणि आपण आपल्या पुढे मुलांचं शिक्षणाचं काय करायचं आपल्या पुढेही प्रश्न आहे आणि मी सगळ्यांना एक सांगू इच्छिते की आज जी माझी कडकड आहे या सगळ्या शिक्षक अघोषित शिक्षकांची कडकड आहे की शासनाने आम्हाला अघोषित शाळा घोषित कराव्या आणि घोषित शाळा फक्त घोषितच न करता निधीसह आम्हाला घोषित करावं आणि जी आर लवकरात लवकर आमच्या ताब्यात द्यावं नाही तर याचा अनर्थ हा सरकारला भोगावा लागेल. नॉन ग्रांटेड असं ग्राम की एक मीटिंग नक्कीच केली इस मकसद के तहत के आज़ाद मैदान पर जो धरना आंदोलन चालू है महायलगार और महाआक्रोश आंदोलन आघोषित शिक्षक और 20% 40% वाले साहित्यक्राम के धरना आंदोलन जारी है उन्हीं के कन्विंस करने के उनको तहरीक देने के लिए आज यहाँ पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था. एक बड़ी तादाद में दोबारा से जो है धरना आंदोलन के लिए आज़ाद मैदान पर 13, 14, 15 तारीख को वहाँ पर पहुँचना है क्योंकि 1 नवंबर और 2 नवंबर को जिस तरीके से वज़ीर तालीम के साथ होने वाली जो बैठक थी उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 तारीख के दिन वो यादी डिक्लेयर करने वाले हैं जबकि 1 नवंबर 2 नवंबर के दिन वो ऐलान करने की बात थी लेकिन उस दिन ऐलान नहीं हो सका बल्कि सिर्फ एक आश्वासन के करके वहाँ से सहसा को शुरू हो गया. तो संगठनों ने फैसला किया कि जब तक हमें GR नहीं निकलता GR और घोषित कर GR जो निधि के साथ जब तक का घोषित नहीं होता और 20% 40% जो समन्वय संघ है वो उनका डिमांड है कि 20-40% के बजाय जो पूर्वी प्रमाणिक जो 20-40 का जो प्रचलित अनुसार जो अनुदान का था उसे नाफिस किया जाए और अघोषित शिक्षक संघ का भी यही मुताबिका है कि हमें आज उन्हीं के साथ के हम लोग हैं जो 15-20 साल से बिना किसी पगार के आज हम काम कर रहे हैं तो हमें 100% ग्रांट दे या प्रचलित अनुसार हमको ग्रांट दे और 15 तारीख को हमारी यादी जो है निधि के साथ घोषित करे और प्रचलित का जो एक नियम था 15 नवंबर 2011 वाला और 4 जून 2014 का ये दोनों GR को नाफिस करें और जो GR उन्होंने 19 सितंबर 2016 में जो जारी किया था सर सगर 20% उसे रद्द करके इन दो GR का जो पुराना था उसे नाफिस करें और हमारा ये वनवास जो है वो खत्म करे यही हम इस माध्यम से इस उर्दू मीडिया सेंटर में आज लोगों को जमा करके रिक्वेस्ट किया है कि धरना आंदोलन में आए और मैं आज यहाँ पर इसके जरिए से मीडिया के जरिए से मैं रिक्वेस्ट करूँ तमाम नॉन ग्रांटेड असाज़े ग्राम से मालेगांव भर के जितने भी हैं 20% 40% अघोषित त्रुटि वाले प्राइमरी सेकेंडरी और जूनियर कॉलेज के वो एक मरतबा बड़ी तादाद में आज़ाद मैदान पर पहुँचने की कोशिश करें और मुख्तलिफ स्कूलों के जो इंतजामिया है हेड मास्टर है उनसे भी मेरी एक मुद्दबाना दरख्वास्त है इस माध्यम से कि आप लोग भी इन नॉन ग्रांटेड असाज़े ग्राम का सपोर्ट करें और इनको कम से कम रिलीज़ करें कि ये 2-2, 3-3, 4-4 या एक बड़ी तादाद में आज़ाद मैदान पर ये पहुँच सके और नॉन ग्रांटेड असाज़े ग्राम के पास जाने आने के अखराजात तक नहीं होते बेचारे बहुत तकलीफ में होते हैं वहाँ जाना आना और अखराजात जो लगते हैं सभी जानते हैं और ये 15-20 साल से बिना पगार के जो काम कर रहे हैं तो इनकी जो तकालीफ है ये वही जानते हैं जो काम कर रहे हैं. इसलिए मेरी उनसे भी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप जिस तरीके से अपना समर्थन इनको जबानी दे रहे हैं तो अमली तौर पर भी कम से कम कोई कोशिश करते हुए इनका सपोर्ट करें और इनको वहाँ पर जाने के लिए कुछ इंतजाम. सर आपके जो मुतालबात है अगर वो पूरे नहीं हुए नवंबर को वहाँ पर आज़ाद मैदान पर पहुँचने के लिए दरख्वास्त की जा रही है. आपके जो मुतालबात है अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे आगे फिर? हम बेमुद्दा धरना आंदोलन करेंगे स्कूल बंद करने का और उसके बाद जो है पेपर एग्जाम के बायकॉट है पेपर चेकिंग तपासनी के बायकॉट वगैरह ये सब जो है हम आगे इख्तियार करने वाले हैं और धरना आंदोलन बेमुद्दत जारी है. जब तक का ये हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता तब तक के लिए हमारा धरना आंदोलन जारी है और वो सिर्फ GR निकलना नहीं है कि GR निकल के हम अपने घर चलाएंगे बल्कि जब तक का हमारे हाथ में निधि के साथ में हमारा GR नहीं जारी होगा ग्रांट के साथ में हमारा GR जारी नहीं होगा हम तब तक के लिए आज़ाद मैदान पर धरना आंदोलन में बैठे रहेंगे और हम तब तक का पीछे नहीं हटने वाले. ये हमारा शासन से मुतालबा है. तमाम नॉन ग्रांटेड टीचर्स से अपील है कि इतनी लड़ाई हमने अब तक यहाँ पर खड़ी है और बस कदम बाकी है तो बस तमाम टीचर्स से अपील करते हैं कि ज़्यादा से
ज्यादा आजाद मैदान हम लोग पहुँचने की कोशिश करें, खास कर बहुत सारे लेडीज लोग जो आते नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है घर की इसकी, तो जरा उसको साइड में रखते हुए जरूर आने की कोशिश करें। 14-15 तारीख सर, मी आपल्या या मालेगाव तालुक्यातील तसंच सर्व महाराष्ट्रातील सर्व मुशी शिक्षकांना एक आव्हान करतो। शासनाने आपल्याला जी दिलेली जी तारीख आहे 15 नोव्हेंबर 2022 आम्ही तुम्हाला राजा घोषित करू, पण मी आम्ही एक शासनाला पण आव्हान करतो की त्यांनी आमच्या शाळा नुसत्या निधी घोषित न करता त्यांना निधीसह घोषित करावं आणि आम्हाला सुखरूप घरी पाठवावं, याच्यासाठी मी शासनाला पुन्हा एकदा विनंती करतो। पण जर शासनाने आम्हाला निधीसह घोषित केलं नाही तरी तर आम्ही हे आंदोलन आमचं चालूच राहील असं मी आमच्या सर्व महाराष्ट्रातील घोषित शिक्षकांच्या माध्यमातून एक मी पुन्हा शासनाला देखील आव्हान करतो आणि याच आझाद मैदानावर येण्यासाठी सर्व घोषित बांधवांना पुन्हा आव्हान करतो की आपण जास्तीत जास्त संख्येने आझाद मैदानात यावं। तारीख 13, 14, 15, 16, 17 नॉन ग्रैंड टीचरों की जो मीटिंग ली गई है, इस मीटिंग के जरिए यहाँ अपील की जा रही है कि 13, 14, 15, 16 और 17 तारीख को जो आज़ाद मैदान में तमाम बिगैर पगारी जो टीचर्स हैं वो अपना मेरी पगार मेरी जिम्मेदारी के तहत वहाँ हाजिर रहे, और ख़ास तौर से मैं मालेगांव की जितनी भी अंजुमने हैं, चेयरमैन और सेक्रेटरी है स्कूलों के, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि इससे पहले आपने मालेगांव में एक मीटिंग लेकर इस धरना आंदोलन की हिमायत की थी। मेरी आज आप लोगों से अपील है कि आपने यहाँ बंद कमरे में बैठकर अपील की है तो अमली तौर पर आप लोग तमाम सेक्रेटरी, तमाम चेयरमैन और हो सके तो अपनी पूरी बॉडी को लेकर कम से कम 13, 14, 15 और 16 तारीख को आज़ाद मैदान में हाजिर रहे। इससे जो है आपकी स्कूल का भी नाम होगा और आपके कर्मचारी भी आपका नाम लेंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि मैं तो खुद जमजम स्कूल का चेयरमैन होने के नाते मैं तो ये समन्वय समिति को और ये नॉट ग्राम टीचरों को खुद सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसी ही गुजारिश मैं तमाम मालेगांव के मैनेजमेंट और अदारों वालों से करता हूँ।